हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टर्न टू व्लॉग। आज हम आए हैं कहाँ पे, कहाँ पे आए हैं आज? ग्लोबल विलेज। अरे ये सबसे पहली चीज़ ये करता है अपना कलर चेंज, यू कैन सी। आज मैं इसका कराऊंगा आपको टूर, देखते हैं क्या क्या चीज़ें एक्साइटिंग है इसके अंदर। मैं भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ, सो आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग। आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। सो नाउ रिटर्न टू ग्लोबल विलेज। और ये फहीम भाई आ चुके हैं हमारी वीडियो के अंदर। और ये है ऑल द पवेलियन ओवर हियर फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम रशिया एंड सो मेनी कंट्रीज एक्चुअली। यस, सो देख सकते हैं आप लोग कलर चेंज होता हुआ। एंड आई विल ट्राई टू मेक अ परफेक्ट वीडियो फॉर यू। यू कैन सी द पब्लिक ओवर हियर। इट्स अ वीकडे सो देयर आर नॉट सो मेनी पीपल कंपेयर टू वीकेंड। इफ यू आर कमिंग टू ओवर वीकेंड इट्स जैम पैक्ड, लाइक यू विल नॉट फाइंड अ स्पेस टू पार्क योर कार एज वेल। यस, वी गॉट पार्किंग टुडे इजीली, राइट? कंपेयर टू अदर डेज। तो भाई लोग आप देख सकते हैं कन्याएं इधर हैं। बल्ला हबीबी भी इधर ही है। अब हम जाएंगे अंदर, यहाँ बहुत खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हैं फहीम भाई। बिल्कुल माशाल्लाह। अब हम चलते हैं अंदर, आपको दिखाएंगे अंदर से कैसा है। नाउ वी आर गोइंग इन, वी आर एट द एंट्रेंस। लेट मी शो यू हाउ वी कैन एंटर। There is a kind of barricading. Okay, now we are inside. यहाँ से हम लोग अंदर आए हैं और this is the Statue of Liberty. This is the Big Bang. You can see. I will show each and everything. ये थाईलैंड वाली थीम। हाँ फहीम भाई, ये थाईलैंड की थीम है ये वाली, क्योंकि मैं थाईलैंड गया था बिल्कुल सेम इसी तरीके से ड्रैगन वगैरह बने हुए थे सब। थाईलैंड और वो क्या है जो पंख। हाँ फहीम भाई, वो क्या चीज़ है ये जिसके ऊपर ये कबूतर जैसे पंख है? दैट वन ओके। इफ यू नो व्हाट इज दिस कमेंट में बताइएगा। आदिवासी लोग मुझे ऐसा लग रहा है ये, आई डोंट नो एक्चुअली। और ये हम देख सकते हैं यहाँ पे आप अपनी करेंसी भी चेंज करा सकते हैं। इफ यू हैव यू कैन चेंज योर करेंसी हियर। पैसा होना चाहिए। हाँ, वो लाजमी है। और ये देख सकते हैं आप मस्जिद। आई थिंक दिस इज मस्जिद, राइट? दिस इज द मस्जिद। ओके, ये आप पेरिस का मजा ले सकते हैं यहाँ पे, एफल टावर। माइट बी दिस इज द सिडनी और वी कैन कॉल लोटस टेम्पल, आई डोंट नो ये क्या है, बट ये सिडनी का भी लुक दे रहा है और ये लोटस टेम्पल का भी लुक दे रहा है ना ऊपर। अभी भी इसी ऊपर ये लोटस टेम्पल है, बट इस तरीके का सिडनी का भी दिखता है ना, इराकी बाजार।
ये देखिए आप, ये परफ्यूम की शॉप है, इट्स लुक लाइक ताजमहल, राइट? दिस इज नॉट एक्चुअली, दिस इज नॉट मॉस्क्यू, राइट? दिस इज ताजमहल, द इंस्पायर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, यस, दे पुट सेवन वंडर्स हियर, ओके, दिस इज टर्की, यू कैन सी दिस इज टर्की, गुब्बारे, This is the cafe. और ये देख सकते हैं आप लोग, ये कितना बड़ा है, I cannot cover, but I will try to show you each and everything. ये हम आगे कुवैत, ये हमारा कुवैत, ये ऊपर इन्होंने देखो पूरा का पूरा शिप बना रखा है, सेल कैन से आई ऑलरेडी कवर्ड इट, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर फ्लोटिंग मार्केट, फ्लोटिंग मार्केट, तैरते हुई मार्केट देखते हैं यहाँ पे कैसी होती है, इंडिया में सब चीजें देखने के लिए नहीं मिलती, पाकिस्तान, यू कैन सी दिस पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये फ्लोटिंग मार्केट, मतलब कि इन्होंने पानी के अंदर अपनी नाव बना रखी है और उसमें से खाना वगैरह देते हैं, यहाँ से आप जाएं खरीदें और खाएं, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी हम नीचे नहीं जा रहे, अभी आपके लिए हम ब्लॉग बना रहे हैं कि आपको दिखा सके, उसके बाद हम जाएंगे, और ये पीछे क्या है, पर्शियन कबाब, शॉप ऑफ पर्शियन कबाब, और हम आपको यमन, दिस यमन, दिस बहरीन, दिस इज इजिप्ट, व्हाट इज द लास्ट, मोरक्को, इट्स इन मोरक्को, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग हियर, There is China as well. What is this? Amsterdam? Oh, that is America. Turkish restaurant. And there is Syria. अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे फ्लोटिंग एरिया में, आई विल शो यू व्हाट इज दिस, there are the lights inside the water, and there's a dragon, हम चलते हैं दूसरी जगह पे, ओके, तो हम आ चुके हैं एकदम डिफरेंट प्लेस पे, आई विल शो यू, दिस इज अफ्रीका, और ये हम आगे यूरोप, अमेरिका, कोरिया, यू कैन सी, ये फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी, यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं, ये देखिए आप, ये
ये भाई साहब बच्चे को लेके जा रहे हैं कंधे पे रख के अपने, और ये सीरिया Okay, let me show you America. Okay, ये आ गया हमारा जापान. और कौन सी कंट्री है? थाईलैंड, कोरिया. You can see Korea, और ये है थाईलैंड. आप सारी कंट्री का मजा ले सकते हैं यहाँ पे आके ग्लोबल विलेज में. ये देखिए के अब हम आ चुके हैं रोड ऑफ एशिया. इसके अंदर देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज हैं और आपको दिखाएंगे. ये इसका मेन एंट्रेंस कुछ ऐसा दिखता है. ये आप देख सकते हैं इतना प्यारा बना हुआ है. बाकी में विलेज थीम जैसी है, ग्लोबल है. लेकिन हाँ भाई, ग्लोबल विलेज थीम विलेज वाली है. श्रीलंकन वाइब्स. और ये आपका श्रीलंकन आर्ट. मैं अभी फोकस करके दिखाता हूँ आपको. यहाँ पे दिख नहीं रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट. श्रीलंकन आर्ट. यहाँ पे श्रीलंका की चीजें. और यहाँ देख सकते हैं आप पूरी अफगानी थीम यहाँ चल रही है परफॉर्मेंस. ऐसा लग रहा है मुशायरा चल रहा है यहाँ पे.